नमस्कार, सत्य पे सत्ता देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहते हैं कि दिल में अगर जज्बा हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। वाराणसी में भी आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में महिलाएं जुटी हैं। ये महिलाएं डिजाइनर ड्रेस तैयार करती हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। ये है संतोषी शुक्ला, जो वाराणसी में दीदी के नाम से मशहूर है। संतोषी शुक्ला सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखाती है। आज करीब 40 महिलाएं उनके इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं और डिजाइनर ड्रेस तैयार कर उन्हें बाजार में बेचकर अपना खर्च चला रही हैं। आज जो है 40 महिलाओं को लेकर के यहाँ पे इस मुहिम में लगी हुई हूँ और इन्हें जो है प्रत्येक हुनर चीजें जो है सिखाई जा रही हैं, चाहे वो सिलाई हो, मेहंदी हो, ब्यूटीशियन हो, सारी चीजें हैं। मेन फोकस होता है कि सिलाई से है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। देश की हर बेटी जब आत्मनिर्भर होगी तो वो हमेशा कम से कम अपने घर का खर्चा चला सकती है, अपने ससुराल में भी अपना जो है वो जीविकापार्जन अच्छे से कर सकती है। पहले आर्थिक रूप से हम ये मजबूर थे कि जैसे पहले हम पढ़ाई लिखाई की भी पर्पज से, जैसे कि हम पढ़ना मतलब चाहते थे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते थे। और यहाँ आने के बाद ये परिवर्तन हुआ हमारे में कि नहीं, हम खुद भी तो पढ़ सकते हैं, खुद में पहचान बना सकते हैं और अपने घर परिवार का भी कुछ भला कर सकते हैं। जब से मैंने ये संस्था ज्वाइन की है मुझे बहुत बेटर लग रहा है और मुझे अपना भविष्य भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आके कुछ अच्छा कर सकती हूँ। यहाँ पे आके थोड़ा और बेस्ट मुझे लग रहा है कि मैं और भी बहुत बेस्ट कर सकती हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संतोषी के सफर की शुरुआत भी बेहद रोचक रही है, जिसने संतोषी शुक्ला के जीवन को बदल दिया। मैं ऐसे ही एक दिन गई थी घाट किनारे घूमने के लिए, तो वहाँ पे एक महिला जो है वो रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे आप जान करके आप क्यों पूछ रही हूँ, कि आप बताइए। तो वो अपने घर के प्रॉब्लम्स को बताई। उसके दो छोटे बच्चे थे, उनके हस्बैंड की आंखों की रोशनी अचानक चली गई थी, जिसके कारण उनके घर से भी उनको किया जा रहा था। उसके बाद वो मुझे बताई तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप जो है मेरे घर पे आइए और मैं उन्हें सिलाई से संबंधित उन्हें कोर्स बताई, सिलने लगी वो। फिर आसपास के लोगों को भी मैंने जागृत किया कि ऐसी महिलाएं हैं, आप इनको काम दीजिए, ताकि इनको आर्थिक की आवश्यकता है, इनकी आर्थिक से संबंधित जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पूरी होंगी। आज संतोषी रोजाना अपने सेंटर पर आकर महिलाओं को सिलाई सिखाती हैं। और जो महिलाएं सीख जाती हैं, उनके बनाए ड्रेस को बाजार तक पहुंचाकर खुद को और दूसरी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम लेकर संतोषी निकली हैं। इन महिलाओं को सिलाई की शिक्षा दे रही हैं, इन महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही हैं। और न सिर्फ ये महिलाएं डिजाइनर ड्रेस बना रही हैं, बल्कि उस ड्रेस की मार्केटिंग भी कर रही हैं। अब जो महिलाएं कभी सिर्फ और सिर्फ घरों तक सीमित थी, चूल्हे चौके तक सीमित थी, आज स्वयं के रोजगार द्वारा लोगों को सपोर्ट कर रही हैं, अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। आगरा के शिशुपाल सिंह पिछले 2 साल से आधुनिक तरीकों से खेती कर रहे हैं और अब 2 साल में उनकी आमदनी 10 गुना बढ़ चुकी है। शिशुपाल सिंह की सफलता से प्रेरित होकर अब दूर दूर से किसान भी शिशुपाल सिंह से प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप भी देखिए क्या किया किसान शिशुपाल सिंह ने। युवा किसान पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक खेती अपना रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं
आगरा के शिशुपाल सिंह, जो आसपास के किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। दरअसल शिशुपाल सिंह ने खेती को प्रयोगशाला बना दिया है। पहले शिशुपाल पारंपरिक तरीके से गेहूं, आलू और बाजरा की खेती किया करते थे, लेकिन अब पारंपरिक खेती छोड़कर उन्होंने 2.5 बीघा खेत में केसर की फसल बोई है। आज उन्हें केसर का 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिल रहा है और तमाम बड़ी कंपनियां भी उनसे संपर्क कर रही हैं। मैंने कोशिश की, नेट के माध्यम से देखा, जाना परखा और किसानों से मैं बाहर मिल के आया, वहां से बीज लाया और मैंने केसर की सफलता पूर्वक हुई। आज मेरे पास 1 क्विंटल केसर है। 1 क्विंटल केसर और पर किलोग्राम केसर का क्या भाव है? लगभग आप समझ लीजिए 50,000 रुपए किलो। 50,000 किलो है? तो मुझे लगता है कि 50,000 रुपए किलो के हिसाब से 50 लाख रुपए की फसल मेरी बैठती है। शिशुपाल सिंह आज केसर, ऑर्गेनिक गेहूं, सदाबहार नींबू, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ऑर्गेनिक गन्ना और जैविक आलू जैसी तमाम फसलों को जैविक तरीके से तैयार कर रहे हैं। इन फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना के बराबर होता है और जैविक तरीके से तैयार किया हुआ खाद ही डाला जाता है। हाल ही में उन्होंने ऑर्गेनिक गेहूं उगाया जिसे लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया। मैंने बदलाव किया है, मैंने पिछले साल जैविक गेहूं किया जो कि मार्केट से 700 रुपए पर क्विंटल महंगा बिका और खेत से ही बिक गया। नहीं ले जाना पड़ा। मिलने जुलने वालों को पता चला, उन्होंने कहा भैया किसी को देना नहीं, हमको दे देना। मैंने अपने लिए खाने लायक रखा, बाकी मैंने सब दे दिया, कैश पेमेंट हो गया सारा उसी दिन। आज शिशुपाल सिंह का कृषि मॉडल लाखों किसानों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है और दूर दूर से किसान आज उनसे प्रशिक्षण लेने उनके पास आते हैं, जिन्हें वो जैविक खेती के गुर बताते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि रूढ़ीवादी पीढ़ी दर पीढ़ी जो फसलें चली आ रही हैं उससे थोड़ा बदलें। ज्यादा नहीं, अगर आपके पास 10 बीघे जमीन है तो 2 बीघे पर बदलाव करें। एक बीघे में तो बगीचा लगाएं और 1 बीघे में ऑर्गेनिक खेती करें, केसर करें, इस तरीके की फसलें करें जिससे बाजार में आपको नगद माल बिकेगा और रेट भी सबसे अच्छे मिलेंगे। किसान अगर खुद चाहे और खुद ठान ले कि हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें, कुछ प्रयोगधर्मी चीजों को अपनाएं और कुछ जैविक खेती को अगर बढ़ावा दें, नकदी फसलों को बढ़ावा दें, तो उनके घर में भी खुशहाली आ सकती है, आर्थिक तरक्की काफी ज्यादा हो सकती है। कुल मिला के शिशुपाल सिंह आज उस विषय में, उस सेक्टर में एक रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और अब रुख करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां एक ओर देश में किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ में आंवला उगाने वाले किसान सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने यहां किसानों को बड़ी सौगात देते हुए आंवले को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है, जिसके बाद से किसानों में खुशी की लहर है। प्रतापगढ़ का आंवला पूरे देश में मशहूर है, लेकिन आंवला किसान हमेशा बेबस और उपेक्षित ही बना रहा। लेकिन अब यूपी सरकार की तरफ से प्रतापगढ़ के आंवले को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है और प्रशासन की तरफ से इसका प्रचार प्रसार किया जाने लगा है, जो यहां के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है और सरकार की पहल पर आंवला किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य भी मिल रहा है, जिससे किसान बेहद खुश है। ऐसा है कि आंवले की खेती करने से किसान भाइयों को पहले कोई लाभ नहीं मिल पाता था, औने पौने दाम पे जितनी सरकारें आई गई सब में औने पौने दाम पे बिचौलिए खरीद लेते थे, किसान भाइयों को नुकसान ही मिलता था। और जब से ये भाजपा सरकार आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिसमें कि हमारे आंवले की पहचान पूरे भारत में बन चुकी है। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे, उन्होंने सोचा और इस पे ध्यान किया, तब से किसान को, उद्यमी को, सबको अच्छा अवसर मिला आगे बढ़ने को। अभी कोरोना काल में हमारा आंवला, अन्य प्रोडक्ट तो बेकार हो गए लेकिन हमारा आंवला च्यवनप्राश के रूप में सब बिक गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सरकार आंवला की खेती और उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी और लोन देने लगी है, जिसका आज सैकड़ों किसान और उद्यमी जमकर लाभ उठा रहे हैं।
और खुद की छोटी फैक्ट्री में आंवले का मुरब्बा, अचार, कैंडी, जूस समेत कई प्रोडक्ट तैयार कर उसको मार्केट में बेच रहे हैं। वहीं आंवले का भी अच्छा मूल्य मंडी में मिल रहा है। हमने आंवले की यूनिट अपने गांव में ही डाल रखी है और हम लोग किसान भी हैं और आंवला उद्यमी भी हैं। हम लोग अपनी फैक्ट्री गांव में लगा के 20 से 25 लोगों को रोजगार भी दिया है और इस बार सरकार, योगी सरकार में हमें आंवले के अच्छे रेट मिल रहे हैं और हमारे किसानों को भी अच्छे रेट आंवले के मिल रहे हैं। और आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले मैंने जिला दो केंद्र के माध्यम से सभी लाभार्थी, जो प्रशिक्षित लाभार्थी थे, उनको टूल किट्स का वितरण भी किया और कल भी आंवला के प्रोडक्ट पर ही, जो प्रतापगढ़ जनपद का सबसे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, जो एक जनपद और एक उत्पाद के माध्यम के तहत आता है, इसमें ऐसा प्रोग्राम किया गया ताकि हमारी महिला पुरुष, हमारे सब अपने अपने पैरों पर खड़े हों और किसी के पीछे या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न हो। एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रतापगढ़ में किसानों को खूब फायदा मिल रहा है। एक तरफ जहां आंवला उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, वहीं अब किसानों की आय भी दोगुनी हो गई है। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से सुलभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश भर में मशहूर भुसावल के केले की जगह मिर्जापुर के केले की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मिर्जापुर में उद्यान विभाग की तरफ से चलाए जा रहे मिशन के अंतर्गत अलग अलग तरह की खेती की जा रही है, जिसमें केले की खेती के अच्छे रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। केले की खेती ने मिर्जापुर में धूम मचा रखी है। आलम यह है कि इसके आगे अब मशहूर भूसावल के केले की मांग कम होती जा रही है। शुरुआती दौर में करीब 500 बीघे में केले की खेती की गई है और इसे अगले साल 2000 बीघा में किए जाने का लक्ष्य है। पेशे से वकील आशाराम जी ने यहां केले की खेती की शुरुआत की और आज वो 50 क्विंटल केले की सप्लाई कर रहे हैं। आगे मेरा प्लान है करीब 10 बीघा गांव पर लगवाने का और केला साल भर से लगा हुआ है, कट रहा है, बिक रहा है, यही स्थिति है। अब कितना फायदा हो रहा है आपको उसमें? हमको इसमें अच्छा फायदा हो रहा है। हमारा अनुमान ये है कि एक बीघे में करीब 2 लाख 2.5 लाख इस तरह से इनको बचत मिलेगा। मिर्जापुर में केले की खेती की सफलता को देखते हुए यूपी सरकार ने मिर्जापुर को बनाना हब के रूप में घोषित किया है और कई महिला स्वयं सहायता समूहों से केले की खेती की शुरुआत कराई है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमा शंकर सिंह पटेल ने इसे बनाना हब घोषित करते हुए कहा कि इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है और उनकी कमाई पहले की तुलना में कई गुना बढ़ी है। वास्तव में कभी हम लोग भुसावल का नाम सुनते थे कि एमपी में भुसावल था जहां से केला आता था, लेकिन आज मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 150 बीघे की खेती, अच्छी खेती हुई है जिसका हम लोग प्रयोग करें। आज मिर्जापुर जनपद में हमने देखा कि बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी मिर्जापुर के केले को ठेले पर दुकानों में बेच रहे हैं। आज मिर्जापुर बनाना हब अगर घोषित हुआ है, यह 100% है कि किसानों के अंदर बहुत तेजी से जागरूकता बढ़ी है और केले की खेती तेजी से 3 साल के ऊपर हो गया और किसान को इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मिर्जापुर को बनाना हब घोषित करने से जिले के किसान बेहद उत्साहित हैं और आज सैकड़ों किसान दूसरी खेती को छोड़कर केले की खेती कर रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी की माने तो मिर्जापुर में केले का उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा है और जल्द ही यहाँ बाहर से आने वाला केला बंद हो जाएगा। इस प्रकार हमारे यहाँ इस समय लगभग 500 बीघा के आसपास हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो पिछले साल लगा था लगभग 125-150 बीघा करीब था, तो उसमें उन्होंने 3 से 4 लाख रुपया प्रति बीघा उन्होंने पैसा कमाया। तो ये देखकर एक हमारे यहाँ एक बूम से छा गया है कि हाँ, सभी किसान इस साल कोई 30 बीघा, कोई 40 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 50 बीघा लगाने के लिए इच्छुक हैं। इस तरह से हमारा इस बार लक्ष्य है कि हम जो 500 बीघा किए हैं इस साल, अगले साल हम 2500-3000 बीघे, लगभग 5000-4000 बीघे के आसपास हम इसको ले जाना हमारा लक्ष्य है और हम कर लेंगे, इसमें सफल भी होंगे। किसानों की मेहनत और सरकार के प्रयासों से आज मिर्जापुर में केले का डे स्तर पर उत्पादन हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ के केले की डिमांड होगी।
एबीपी गंगा के लिए मिर्जापुर से अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सड़कों के किनारे आपने अक्सर कूड़े का अंबार लगा देखा होगा, जो अक्सर नगर निगम और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन मेरठ में इस कूड़े का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि ना सिर्फ कूड़े का निस्तारण होगा बल्कि इस कूड़े से बिजली भी तैयार की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश प्लास्टिक और कूड़े के निस्तारण को लेकर परेशान है। यही वजह है कि सरकार ने प्लास्टिक को बैन करने का निर्णय लिया। लेकिन मेरठ में अब यही प्लास्टिक बिजली बनाने के काम में आ रही है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरठ के परतापुर स्थित एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली तैयार की जा रही है। इस प्लांट में एक घंटे में 1000 यूनिट तैयार की जा रही है, जिसमें 1 से 2 कुंतल कूड़े की खपत हो रही है और 24 घंटे में 24,000 यूनिट बिजली पैदा की जा रही है, जिससे करीब 30 से 40 कुंतल कूड़े का निस्तारण हो रहा है। हम 25 साल से इसमें प्रयास रखते हैं कि भाई ये एक तो कूड़े का समाधान हो और एक अपने देश में एनर्जी सस्ती मिले, फ्यूल एनर्जी सस्ती मिले। तो बीच में हमने प्रयास किया था तो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार सरकार की तरफ से हमें पूर्ण सहयोग मिला। अभी हम लगभग 30 से 50 टन जैसी भी वैरायटी है RDF की, प्लास्टिक की, तो लगभग 24,000 यूनिट पर डे हम देंगे। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो आने वाले वक्त में इस प्लांट में करीब 10 से 12 मेगावाट बिजली तैयार की जा सकती है, जिसमें भारी तादाद में कूड़े की खपत होगी और आने वाले वक्त में सड़कों पर कूड़ा नजर ही नहीं आएगा। आज जो ये गैसिफिकेशन तकनीक का लगभग देश का शायद ये पहला प्लांट है, इसमें से कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा, कोई जल प्रदूषण नहीं होगा। फिलहाल 1.045 मेगावाट बिजली बनेगी। 5-5 मेगावाट के प्लांट इनके तैयार हैं। 3 मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन कराने के बाद जब ये 3 महीने चलते हो जाएंगे तो 10 मेगावाट भी जोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि मध्य 21 आते आते यहाँ पर 12 मेगावाट बिजली बनने लगे, लेकिन इतना दावा, अगर 12 मेगावाट बिजली बनने लगी तो मेरठ की जनता कूड़ा देखने को तरस जाएगी, कूड़ा सड़क पर दिखेगा नहीं। जिस कूड़े को हम लोग छूने से कतराते हैं वो कूड़े से बिजली बन रही है, खाद बन रही है, तारकोल बन रहा है और साथ ही साथ जो और चीज़ें निकल रही वो भराव में काम आएगी, यानी कुछ भी उसका वेस्ट जाने वाला नहीं। प्लांट के मालिक विजेंद्र चौधरी के मुताबिक इस प्लांट के जरिए कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को भी जलाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है और उसके बेस्ट वेस्टेज तारकोल को भी सड़क बनाने के काम में लिया जा सकता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कूड़ा है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ठोस टुकड़े हैं, इस आकार में उस कूड़े को बदला जाता है और उसके बाद यही जो टुकड़े हैं वो इस मशीन में, यानी आप देख सकते हैं, इस टैंकर में डाला जाता है और यहीं से फिर ये कूड़ा जलने के बाद गैस तैयार करता है और उस गैस को ये जो पीली वाली पाइप आप देख रहे हैं, इस पीली वाली पाइप के जरिए वो गैस फिल्टर होकर के सामने जाती है जहां पर एनर्जी तैयार की जाती है। और एनर्जी तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा प्लांट लगा हुआ है और जो एनर्जी तैयार होगी वो यहां पर आएगी और यहीं से सप्लाई दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा सेटअप लगा हुआ है, किस तरीके से ये फंक्शन करेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो कुल मिला के जो शहर में कूड़ा है उसका निस्तारण होगा और उसी कूड़े से पूरा शहर जगमगाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 12 मेगावाट बिजली इस प्लांट से तैयार की जा सकती है और इसका उद्घाटन भी जल्द ही मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात एक ऐसे शख्स की हिम्मत और जज्बे की जिसके दोनों पैर ना होने के बावजूद अपनी जिंदगी में मजबूती के साथ खड़ा है। आप छोटे बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा की अलख जगा रहा है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर इस बात की गवाह है
कि हिम्मत और जज्बे के लिए किसी पैरों की जरूरत नहीं होती, वो तो बस इंसान के पक्के इरादों की मोहताज है। मैनपुरी के संसारपुर गांव के रहने वाले 23 साल के धीरेंद्र प्रताप सिंह दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन धीरेंद्र ने अपनी दिव्यांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। धीरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे रहे हैं, लिहाजा धीरेंद्र बच्चों को पढ़ाकर अपना खर्च खुद चलाते हैं और घर चलाने में अपने पिता की आर्थिक मदद भी करते हैं। धीरेंद्र का कहना है कि वो अपने जीवन में किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते हैं और भविष्य में एक शिक्षक बनकर शिक्षा की अलग जगाना चाहते हैं। बचपन में जब जन्म हुआ था तो हमारे दोनों पैर उपस्थित नहीं थे और पढ़ने का शौक उनको बचपन से ही था और पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। फिर मैंने बीएससी करने के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को, तब से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। 3-4 साल हो गए समथिंग पढ़ाते और आप मैं अपने घर वालों की मदद भी करता हूँ, कमा के जो कुछ भी बनता है। मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करके ही बच्चों का भरण पोषण करता हूँ, मजदूरी करके ही इनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब ये सक्षम हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपना 1000-1500 रुपया पैदा करते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत हमको भी देते हैं खर्च के लिए। धीरेंद्र नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चों को ट्यूशन देते हैं और उन लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं जो दिव्यांगता की वजह से अपने जीवन से निराश हो चुके हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को खो चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से अर्पित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के अभिषेक कुमार दुबे ने एक ऐसा अनोखा कारनामा किया है जिससे उनका नाम कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है और अब वो एक नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। आप ही देखिए क्या है उनका कमाल। सिराथू तहसील के रहने वाले अभिषेक कुमार दुबे को बचपन से कुछ अलग करने का जज्बा था। बीए सेकेंड ईयर के छात्र अभिषेक की अपने एक अनोखे कारनामे की वजह से पूरे जिले में चर्चा हो रही है। दरअसल अभिषेक ने एक मिनट में अपने पैर के अंगूठे को 100 बार चटकाकर एक अनोखा कीर्तिमान बनाया है। अभिषेक को इस कीर्तिमान को बनाने में तकरीबन 11 महीने का समय लगा और नवंबर 2020 में ऑनलाइन प्रतियोगिता में एक मिनट में तेज आवाज के साथ पैर के अंगूठे को 100 बार फोड़कर अपना नाम कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान उन्हें 3 बार निराशा भी हाथ लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अंत में वो रिकॉर्ड बनाने में सफल रहे। कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद आईआईटी मद्रास की तरफ से कराए गए ऑनलाइन वेबिनार में भी अभिषेक ने अपने अनोखे हुनर का प्रदर्शन किया। मैंने अभी एक मिनट में 100 बार अपने पैर के अंगूठे को फ्लिप्स कराया है। अभी मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन हो चुका है, कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा सिलेक्शन हो, अभी मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सिलेक्शन हो चुका है और एशिया के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है, इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है। अभिषेक का अगला सपना अमेरिका के लुइस एकिंस का रिकॉर्ड तोड़ना है। अभिषेक लुइस की तरह 25,000 फीट से बगैर पैराशूट के छलांग लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं और इसके प्रैक्टिस के लिए वो सरकार से सुविधाएं और मदद चाहते हैं ताकि वो अपना और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। एबीपी गंगा के लिए कौशाम्बी से अभिसार भारती की रिपोर्ट।